नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने टाइटल में देख लिया होगा, थंबनेल पर भी देखा होगा कि एप्पल बेर की खेती करके या एप्पल बेर की बागवानी करके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि एप्पल बेर कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, ये मेरे खेत पर लगे हुए एप्पल बेर के पेड़ हैं, जिन पर आप खुद देख सकते हैं कितने फल लगे हैं। देखिए कितने बेर लगे हुए हैं एक पेड़ पर। ये एक पेड़ से छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस पर आप खुद देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कितने फल इस पर लगे हुए हैं, कितने बेर लग रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इस पे लगे हैं। हालांकि इस पर हमने 50% माल को तोड़ करके बेच दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस पे लगा हुआ है। और इनके पेड़ों की डालियां आप देख सकते हैं ज़मीन पे टिकी हुई है, और इनको लकड़ी के सहारे से रोका गया है ताकि ये इनकी टहनियाँ और डालियाँ टूटे नहीं। तो दोस्तों, ये मजाक नहीं है, आप खुद ही इस पे देख सकते हैं कि कितने बेर इन पेड़ों पे लगे हैं। ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। और किसी एक ही पेड़ की बात नहीं कर रहा, मैं हर पेड़ की बात कर रहा हूँ, सब पे देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बेर लगे हैं। छोटी सी टहनी है, तो दोस्तों इन पेड़ों पे इतने फल लगने का रीज़न क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सभी पेड़ों पे इतने ही बेर लगे हैं, आप देखेंगे। ये देख सकते हैं, तो इन पेड़ों पे इतने बेर लगने का रीजन क्या है? तो ज़्यादा बेर लगने का कारण पहला तो एक ही है, जब इन पे फूल आते हैं तो उस समय इन पर कुछ दवाओं का भी छिड़काव किया जाता है ताकि जितने फूल लगे हैं उतने ही फल बन सके। तो सबसे पहले ये होता है, और दूसरा इसका एक कारण होता है जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये पेड़ है, इसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देसी खाद इसमें मिलाया है, और पेड़ वो है और इसके दूर तक, क्योंकि ज़्यादा पेड़ बड़ा होता है उसकी जड़ें दूरी तक जाती है, तो इसके कुछ दूरी पर एक मेड़ बना करके उसमें खाद, देसी खाद वो डालना होता है। ये देख सकते हैं इसमें भी इसमें बना हुआ है पेड़, वो दूर है लेकिन यहाँ तक इसमें खाद डाला हुआ है, मतलब देसी खाद और पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे इसके चारों तरफ गोबर की खाद को मिला करके दबाया हुआ है ज़मीन में इसकी जड़ों से कुछ दूर पर। और तीसरा कारण होता है ज़्यादा फल लगने का, कि आप देख सकते हैं ये वाला एक पेड़ है, इस पेड़ की हमने कटिंग कर दी है अभी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे। इधर भी आप देखेंगे ये भी एक पेड़ है, इसकी भी कटिंग की है अभी फ़िलहाल में की है, ये कटे हुए आप देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पेड़ की जड़ मोटी होगी यहाँ से, उस पर उतने ही ज़्यादा बेर लगेंगे, ठीक है। ये हमने प्राय देखा है, जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा और जितनी जड़ इसकी मोटी होगी उस पर उतने ही ज़्यादा इस पर बेर लगेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है
तो अभी आप देख रहे हैं इसमें पानी के लिए छोटी सी पाइप चल रही है। तो कुछ दिनों बाद में जो ये बेर लगे इन सब बेरों को तोड़ करके फिर जो पेड़ मैंने अभी दिखाए उनकी इस तरह से कटिंग कर दी जाएगी, फिर इन पे अप्रैल के महीने में इस तरह से फुटान होगी। जैसे ये फुटान हो रही है ये पहले से कटा हुआ है, और जितनी फुटान होगी उस पर उतने ही बेर लगेंगे। तो इस तरह से अगर आपके भी एप्पल बेर के पेड़ लगे हैं तो उन पर आप ये एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत ही अच्छे फल या बेर उन पेड़ों पर लगने लगेंगे। और जो मैंने ये पेड़ और बेर दिखाए ये 50% माल है, 50% को हमने तोड़ करके बेच दिया है, और अभी भी इन पर रोज़ाना तोड़ करके वो बेरों को बेचा जाता है। तो यही था वीडियो में, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।